ऑक्सीजन पास करने से सल्फर से क्या मिल गया, SO सल्फर डाई ऐसे ही पार्टिकल बन जाएंगे जैसे ही बस मुझे यहाँ पर येलो बॉल लगा देना चाहिए। ऐसा बन जाएगा, बगल में दिखाया गया कि different properties from the iron and from the sulfur. In fact, you see that इसको मैग्नेट लाना चाहिए कायदे से, नहीं लाती तो गड़बड़ाएंगे क्योंकि बच्चे। So the iron sulfide compound has cooled now. देखो ये। And I just wanted to show you. He said that one of the properties of iron filings was that it was magnetic. मैग्नेट इसमें चिपक जाता था, ये देखा नहीं? ये काम वो भी करेंगे। हमें मालूम नहीं था कि ऐसे करना है। मुझे उसको निकालना पड़ेगा। Hopefully that helps us understand elements. इसलिए आगे नहीं बता रही सर्फ्यूरिक कैसे पता करना है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि इससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल चेंज क्या होता है। Let us see, हाँ? रिवर्स नहीं होता, जैसे ये देखो H2 क्या है, बोलो। Water. H2 है that it is fuel. H2 हाइड्रोजन गैस से क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट चलते हैं, यहाँ से जो जहाज भेजे जाते हैं ना स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट, उनमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, उसको जला देते हैं, उसी से वो प्रोपल्शन होता है, तो ये फ्यूल है। और O2 क्या होता है, ये क्या हेल्प करता है बर्निंग में, हेल्प सिन, अभी उसमें भी उसने ऑक्सीजन डाली थी तो जल रहा था, हेल्प सिन बर्निंग। और अगर दोनों मिल जाए तो क्या H2O बन जाए, मतलब चार इसके ले लो H2 के दो सेट और एक O2 के, तो अल्टीमेटली क्या होगा बोलो, दो मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे। जैसे ऐसे देखो H2 ले लो दो, ये H2 है, अब एक क्या ले लो O2 ले लो, O2 में ऐसे मॉलिक्यूल ही तो है जुड़े हैं नहीं, और एक और क्या ले लो बोलो H2, तो मैंने यहाँ दो H2 लिए हैं क्या, देख लो, अब एक मॉलिक्यूल किसका लिया है, ऑक्सीजन का, ये सब यहाँ से अगर टूट जाए और फिर इनके बीच में बॉन्ड बन जाए तो बोलो ये क्या बॉन्ड बना, H2O, ये क्या बना, तो HOH, यहाँ क्या बना HOH, ये जो चीज बनती है ये आग, ये फ्यूल है, ये आग जलाने में सहायक है, लेकिन जो चीज बनी वो तो आग बुझा देती है, तो जो कंपाउंड बनता है उसकी बिल्कुल एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, क्या वो आग बनाती है क्या, तो इसलिए कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है, इट हैज न्यू रेट, कोई सोच सकता था कि एक आग है और एक आग जलाने वाला, और जो बना वो क्या है, आग बुझाने वाला, तो कंपाउंड है ए न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, तो ये कंपाउंड है तो वाटर ही, और ये बोलो फायर एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर, फिर से देखो, मान लो मैं तुमको कनिष्का को एक प्लेट में कोयला रख के दे दूं, ये कह दूं इस बोतल में हाइड्रोजन गैस है जिसमें ऑक्सीजन है, चलो तुम हमारे यहाँ मेहमान आई हो खा लो, कहेंगे देखो कोयला खाने नहीं में, और अगर मिला के दे दूं, इनकी रिएक्शन बना के हीट करके दे दूं, तो बढ़िया चीनी बन जाएगी, कहेंगे वहाँ गए थे ग्लूकोज मिला खाने को, बिल्कुल गर्म करके दिया था, कोयला से चीनी बन गई, तो बोलो कहीं कोई सोच सकता था कि कोयले से चीनी बन जाए, अब वो कोयले को गरम गरम कर दिए, अब वो जो बाइडेन की पत्नी को पकड़ाया ये ग्रीन डायमंड है, लो हाई 2 रुपए का कोयला है, बात क्या नहीं, और 9 करोड़ का गिरा बन गया, सो नई प्रॉपर्टी आ जाती है, इट इज इंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हमने और क्या देखा बताइए, कि 6 ईयर ले लिए,
और ये टर्न हो गए और ये कितने वोल्ट हो, तीन से पहले लोग छा हो जाएंगे। तो ये क्या बना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हुआ बोलो, कंपाउंड हो गया, क्योंकि वेरी कंपोजिशन। अब यहाँ देखिए Fe+S, तो ये आयरन है और ये क्या है, सल्फर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हीट किया, इसका निशान क्या बताता है, डेल्टा का मतलब है हीट। तो क्या बना, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड बन गया। आयरन सल्फेट अलग होता है चलना, आयरन सल्फाइड बन गया। और ये मैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, और ये नॉन फेरोमैग्नेटिक। अब यदि FeS में क्या डाला जाए, HCl, दो HCl आएगा, तो बोलो H2 और S मिलके क्या बना देगा, H2S गैस। और दो Cl भी है ना, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए ना HCl के, दो से, तो दो Cl भी हो गए, तो और क्या बनेगा, FeCl2 बन गया। तो इसका क्या नाम है श्रेया, आप यहीं कर लो आराम से, जमाई ले लो, बाद में पूछेंगे, सोलो थोड़ा सा एक दो नहीं। हाँ बोलो, बोलो हाइड्रोजन है नहीं कहीं यहाँ पे, आयरन क्लोराइड। ये क्या है श्रेया, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए और इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, देख लो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था पिछली बार बताया था, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, जो लेगा उसमें आइड लगाना और जो देगा उसमें ईएम, तो सोड ईएम और क्लोर आइड। इसी तरह से एफईएस, एफई अभी हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, अभी दो इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोर, सल्फर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा वो बाद में देखेंगे, उस अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन का। तो जो देता है उसमें ईएम लगाया जाता है, तो यहाँ क्या लगाएं, सोड और इसमें क्या लगाएं, क्लोर आयरन। इसी तरीके से इसमें आयरन बोल दिया है, वैसे तो फेरम बोलना चाहिए था, हम लगाना चाहिए लैटिन, कोई बात नहीं लैटिन नेम है, तो आयरन, और इसे क्या लिखें, सल्फ सल्फाइड। इसीलिए शुरू में इन्होंने सल्फेट बोला, तुरंत इसको करेक्ट किया, बोला नहीं सर आइड होगा क्योंकि सल्फर ने लिया। बात समझ में आ गई, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन दे रहा है और सल्फर दो इलेक्ट्रॉन बाद वाला लेता है और पहले वाला देता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। अगले चैप्टर में हम सीख लेंगे, अभी चूंकि एक्सपेरिमेंट बुक में दिया है तो सीख लेंगे। तो इसकी स्मेल कैसी होगी, इसको लिखो हाइड्रोजन सल्फाइड, रॉटन एग स्मेल। अब जरा देखिए कि फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो भी मिक्सचर होते हैं, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर आर मिक्स्ड विद ईच अदर, देन दे कैन बी सेपरेटेड अगेन बाय फिजिकल मेथड्स। किस मेथड से अलग किए जा सकते हैं, फिजिकल मेथड्स, देखो फिजिकल मेथड्स, इफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, कैसे सेपरेट किए जा सके, बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सके, तो उसे क्या कहेंगे, जैसे कौन कौन सी चीज हो सकती है, क्या तुम ऐसे सूप में धान निकालते हो, पछोड़ते हो, विनोइंग, उसको क्या कहेंगे, विनोइंग, विनोइंग का मतलब है पछोरना। फिल्ट्रेशन भी एक फिजिकल मेथड है, क्या अलग करने का, छान लिया चाय से पत्ती छान ली, तो फिल्टरिंग फिल्ट्रेशन। डिस्टिलेशन क्या है, नोएल इवेपोरेशन एंड फॉलोड बाई कूलिंग। डिस्टिलेशन हमने कंडेंसर दिखाया है आप लोगों को, नहीं दिखाया, दिखाया होगा, देख लो
मान लो अभी हम इधर भी दिखा देंगे डिस्टिलेशन का, तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ से स्टीम निकलती है मेरे को, और दूसरी तरफ से क्या होता है ये प्रोसेस, कि मान लीजिए इसमें हमने कोई चीज गर्म की, इसमें स्टीम निकली और इसको इसमें डाल दिया ऐसे, और यहाँ पर क्या हुआ कि एक दूसरा भी मेरे पास रखा हुआ है तो उससे एक बीकर ले लिया और उसमें खूब ठंडा पानी आया और यहाँ से वो गर्म होकर निकला, जो स्टीम है क्या वो कूल होकर ड्रॉप 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 गिरेगी। तो इस कंडेंसर को आप देखो, इसमें सिर्फ स्टीम गई लेकिन निकला पानी, क्यों? क्योंकि आपने आइस कोल्ड वाटर डाला। ये आउटर है, ट्यूब अंदर है, देखो जरा इसको, और बाहर बाहर क्या बताऊं, बाहर में आप ठंडा पानी डालोगे तो उसकी सारी हीट लेकर निकाल देगा, उसको ड्रॉप बना देगा। इसको कहते हैं संघनित कंडेंसर, क्योंकि वो वेपर को क्या कर देगा, कंडेंस करेगा। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कैसा बताइए, डिस्टिलेशन, इसको क्या कहते हैं, आसवन। फिर से देखो वहां पे डिस्टिलेशन प्रोसेस देखो, डिस्टिलेशन। ओके नाउ ये देखिए कि डिस्टिलेशन में क्या चीज होती है, एक सिंपल प्रोसेस देख लो डिस्टिलेशन का, ये भी कर रहे हैं, फिर असली दिखा सकते। देखो एक एक ड्रॉप पानी गिर रहा है, ये देखो डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखो, ये कुछ ज्यादा नहीं कराई हमें, अब मैं इसको पूरा प्रोसेस दिखा दूं आपको। ये देखो जरा, एक तरफ पानी में से भाप निकाली और क्या किया, बीच में ट्यूब है, सुनो इधर, बीच में जैसे किसी चीज को इसमें पानी को गर्म कर रहे हैं और वो भाप गई, अब उससे इसको हीट किया, वाटर निकलेगा कि नहीं, देखो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये कूल पानी है, ठंडा पानी है, और उसमें से जो वेपर निकली बर्फ में से पानी तो निकलेगा ना, रंग वहीं छूट जाएगा और पानी निकलेगा और वही पानी का ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या किया है बोलो, सिर्फ ठंडा करने के लिए रखा, और कप में एक ही ड्रॉप आ रहा है पानी। इसको दूसरी तरह से देखो डिस्टिलेशन को, ये देखिए, नाउ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज लाइक दिस। Let's take an example. Separation of acetone and benzene by fraction is in the distillation glass. अगर आप यहाँ कूल कर रहे हो, बहुत सारे हेडर लगा दिए तो भी तो वो भाप बन जाएगा, और बीच में कंडेंसर देख रहे हो जो मैंने दिखाया था आपको, तो उससे कितना एक एक ड्रॉप गिरेगा और चीजें साफ हो जाएंगी, और आप और देख लें इसमें डिस्टिलेशन में, When the temperature becomes steady as 300, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है जो इस तरीके से है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन ये सब आया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा उसको कराने के लिए। अब देखो अगर मैंने दिखाया है, यू हैव सीन व्हाट इज डिस्टिलेशन, ओके, अगर आप कुकर में से भी ऐसे निकाल लो तो भी ये डिस्टिलेशन हो सकता है, ये बॉइल हो रहा है,
अच्छा बाइल होने के बाद ऊपर देखो इसे कैसे ठंडा किया गया क्यों भाई? अब क्यूब के बाद इन्होंने क्या किया आगे देखें कैसे ठंडा करेंगे। सिंपली एक एक ड्रॉप ले रहे हैं, एक एक ड्रॉप गिरता रहेगा, कोई बात नहीं, कंडेंसर लगाना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे गिरेगा। समझ में आई? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, जिसमें ये है डिस्टिलेशन, वहां से गर्म किया और उसमें दूसरी जगह पे क्या किया, कूल करके ठंडा कर दिया। सो दिस इज डिस्टिलेशन। ठीक है, आगे अगला प्रोसेस देखो कि क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में करके दिखाऊंगा कि एक स्केच पेन हमने कहीं पर लगा दिया किसी फिल्टर पेपर पे, तो उसके कलर अलग अलग जगह जाते हैं। लेट अस सी, देखो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ कलर बाय क्रोमेटोग्राफी। ओके, नाउ ये जरा देखें, अलग अलग स्केच पेन ले लो, स्केच पेन लेकर आप क्या करो, डॉट बना लो और डॉट बना के उसको पानी में डाल दो। ये देखो, तो पानी में थोड़ा डुबाना, डॉट को नहीं डुबाना, डॉट ऊपर रहना चाहिए, पानी चढ़ेगा और चढ़ेगा तो इसके अलग अलग कलर्स कहां हो जाएंगे, दे विल बी सेपरेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो धीरे धीरे वहां आपको दिख रहा है कंपोनेंट, अगर ब्लैक कलर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, रेड और कहीं आ जाएगा, स्केच पेन होगा किसी के पास ब्लैक। ब्लैक स्केच पेन वैसे हमें ढूंढना पड़ेगा, आपके पास है किसी का? कौन सा आएगा? ब्लैक नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर किसी और को है ब्लैक। देखो ये मैं ब्लैक कलर से इसको कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम देखो इन्होंने कितना अच्छा बना दिया पैटर्न, और वैसा ही हम भी कर दें। तो सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट, ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा डाला फिल्टर पेपर, ज्यादा नहीं डाला, और फिर ऐसा करने से क्या पानी ऊपर चढ़ने लगेगा, और पानी ऊपर चढ़ने लगेगा तो क्या इसके कंपोनेंट अलग होने लगेंगे? अभी हुआ कुछ भी नहीं हुआ, अलग अलग कलर अलग अलग जगह पे चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं पेपर पे अलग अलग कलर का ग्राम बना देना। क्रोम का मतलब कलर होता है क्या? अब क्रोम का ग्राम उसको क्या कहेंगे? क्रोमेटो। समझ में आई बात? नहीं अभी ये थोड़ी देर में अलग कर देखो, बिल्कुल ग्रीन ऊपर चढ़ गया, तो इससे क्या पता चलेगा क्रोमेटोग्राफी में कि दैट इज डिफरेंट कंपोनेंट। तो आपको अगर ये दिखाया जाए कि सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट, तब आप किससे करोगे? क्रोमेटोग्राफी। अब जरा देखो क्रिस्टलाइजेशन, ये देखिए नाउ कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन दिखा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए हमारे कॉपर सल्फेट में रस्ट लग गई है, फिर भी ये ब्लू क्रिस्टल होता है, अभी इसके ऊपर रस्ट आ गई है, इसको मैं विनेगर से क्लीन करूंगा, थोड़ी देर अभी डाल देता हूँ, फिर भी आप देख लो ब्लू क्रिस्टल पीछे भी पकड़ा दो। देखो क्रिस्टलाइजेशन से कोई चीज प्योर नहीं करती है। सो लेट अस सी क्रिस्टलाइजेशन। ये कॉपर सल्फेट है, इसका हमने क्या किया क्रिस्टलाइजेशन, वो क्रिस्टल उनके हाथ में होगा अभी जिसके हाथ में होता है, आगे पास कर, ठीक है। देखो एक और चीज देख लें, इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट,
सो ये क्या होता है कि जो सी के आसपास क्या होता है, ये देखो गुजरात में ये काम होता है, गुजरात में पूरा नमक होता है, ये देखो पानी आके जमा हो जाए, ध्यान दे दो, दो दो मिनट ही दिखाएंगे फिर बाद में पता नहीं चलेगा, इसी में सी का पानी आ जाएगा और नमक छोड़ के चला जाएगा, देखो तो धीरे धीरे जब इसमें पानी आ गया इकट्ठा हो गया तो क्या वो जो नमक है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो गया और पानी उड़ गया, अब धीरे धीरे ऐसे ये समझो इसको नमक की खेती कहते हैं, धीरे धीरे उन्होंने क्या वो वाइपर से इकट्ठा कर लिया, क्या देखो वाइपर से क्या इकट्ठा कर रहे हैं, यही प्रोसेस है, ये इवेपोरेशन है, समझ में आ गई बात की नहीं, तो नमक को ये इकट्ठा कर रहे हैं, अब देखिए इसको कहते हैं इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन देखो, ये हम कॉपर सल्फेट को पानी में डाले गर्म पानी में, बोलो ये प्योर है कि इम्प्योर, इम्प्योर, आपको सेपरेट करना है ना, तो आपने क्या किया बताओ, इसको गर्म पानी में मिला दिया, गर्म पानी से में मिलाने से कैसी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, आपने क्या इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद इसको छान लो तो कोई अगर अशुद्धि होगी निकल जाएगी इम्प्योरिटीज, फिर इसके बाद क्या करो, छान लिया, एक पेंसिल डाल दो उसमें धागा, मिश्री किसी ने खाई है तो धागा डाल दिए गए चीनी में, बस मिश्री बन जाती है, मिश्री के क्रिस्टल, ये देखो बन गया क्रिस्टल, चमक भी रहा क्या, और देखो हम अभी लार्ज क्रिस्टल दिखाएंगे आपको कि कैसे है लार्ज क्रिस्टल बनाया जाए, लेट अस सी, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में लेट अस सी, ये ये देखो कितने बड़ा क्रिस्टल है, सो अलग अलग क्रिस्टल बन जाते हैं, इसमें क्या होगा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में सारी इंप्योरिटी हट जाती है और प्योर क्रिस्टल बन जाता है, एक जैसे पार्टिकल पास आके क्रिस्टल बना देते हैं और जो उल्टे पुल्टे हैं उनको हटा देते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन कैसा प्रोसेस है 100% प्योर पानी, इसमें इंप्योरिटी नहीं रह जाता है, समझ आ गई बात की नहीं, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब जरा आप देखें कि ये देखो ओके तो फिजिकल चेंज कौन कौन सा हुआ जरा और मेथड बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन आपको हमने दिखाया था कि घुमा घुमा के क्या कर सकते हैं, ओके सो एक मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी किसी चीज को रोटेट एट फास्ट स्पीड, तो हैवी चीज दूर चली जाएगी और मक्खन जैसी हल्की चीज क्या हो जाएगी पास आ जाएगी, क्या मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने आपको करके दिखाया, तो मैग्नेटिक सेपरेशन, अच्छा आपको ये मालूम है सेडिमेंटेशन के नहीं पता है, मान लो जैसे इसको पानी रख दो और धीरे धीरे सैंड नीचे बैठ जाए और फिर उसके बाद जब सेडिमेंटेशन कर दिया तो फिर उसके बाद एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसको शिफ्ट कर लो पानी को, समझ आ गया कि नहीं, तो सेडिमेंट्स यानी नीचे क्या हो जाए कि किसी के सेडिमेंट्स से जैसे अगर चौक इसमें है तो नीचे बैठा दो तो फिर धीरे से पलट दो, ओके तो सेडिमेंटेशन भी एक प्रोसेस हो जाएगा, सेडिमेंटेशन का मतलब है निथारना, जैसे घर में अगर हम बाहर से कुएं का पानी लाते हैं तो थोड़ी देर रख करके पलट देते हैं तो वो निथार लिया जाता है, धीरे से एक फ्लास्क से
दूसरे क्लास में, कभी तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है कि मम्मी ने एलम फिटकरी डाला हो पानी में, जैसे हम लोग करते हैं, तो एलम डालने से क्या होता है बताओ? जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं फिटकरी डालने से वो एकदम नीचे बैठ जाएंगे, पानी कलरलेस हो जाएगा। तो ये एलम होता है, कभी कट भी जाता है तो लगा लेते हैं तो वहाँ पर खून जम जाता है, फिटकरी इसीलिए तो काम में आती है। तो दैट इज 10 रुपए की मिलती है बाजार में, तो फिटकरी का यही सब काम है, पानी को शुद्ध करने के लिए यही सब है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं बताओ? लोडिंग। जो हमारे घर में पानी सप्लाई होता है उसमें भी लोडिंग है, तो ये भी एक प्रोसेस है, कहीं पूछा जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन देख लिया, क्रोमेटोग्राफी किसके लिए होती है? बहुत अच्छा, दैट इज क्रोमेटो। आप लोगों का साउंड का क्लास नोएल और आपका संडे को होगा, और संडे को बेटा आप भी आओगे तो आप काम पॉलीनोमियल करा देंगे। 10:30 में टाइम तो हम बताएंगे, हो सकता है सुबह ही ले लें, तो संडे को फिर टेस्ट नहीं है। इन दोनों का हम क्लास ले लेंगे, बाकी लोग टेस्ट देंगे साउंड का, ठीक है। चलो क्रोमेटोग्राफी हो गई, तो सारे हम लोगों ने देख लिए, डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन लिखा है कि नहीं लिखा है? क्रिस्टलाइजेशन लिखो, क्रिस्टलाइजेशन। अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये सब फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है? जो आपस में रिएक्ट ना करें उन्हीं को तो सेपरेट कर सकते हो, इसको कर पाओगे क्या? अलग अलग लोहे बदल लोगे क्या? तो व्हेन केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड then they can be separated by chemical methods. और जो ये क्या है बताइए? तो एक सेंटेंस सुहाना लास्ट में बोल दो इसमें, mixtures can be separated by, इस सेंटेंस को पूरा करो। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, और ये सभी फिजिकल मेथड है, उबाल कर, छान कर, पछोर कर, चुंबक के द्वारा, ये सब कुछ करना कैसा मेथड है बताइए? फिजिकल मेथड। इसमें कुछ चीजें लग तो नहीं रही है, या तो आग के द्वारा, पानी के द्वारा, छान कर, पछोर कर, हवा के द्वारा, तो ये सब कैसे मेथड है? भौतिक विधियां, दैट इज फिजिकल। मिक्सचर्स को ऐसे किया जा सकता है, और कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, बिल्कुल सही। जैसे अगर मुझे H2O को फिर से ये बनाना हो तो ऐसे हो जाएगा फिजिकल मेथड से कि केमिकल चाहिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी, और किसी को कह दो इसमें O2 तो है ही, उसका मुंह डाल दो, कह दो लो सांस, तो ले पाएगा सांस, वो तुम बन उसमें मिल गया, हो पाएगा कि नहीं? चीनी खिला दो किसी को, कह दो मुंह काला कर दिया कार्बन से, कर पाओगे क्या? ये चीज हो गई। सो कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, ये बात सही है, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। अब कुछ बातें देखो, केमिकल मेथड्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करके या कोई केमिकल डाल गए तब होता है केमिकल मेथड। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी बताओ। एक हमने बताया फिजिकल चेंज, एक बताया केमिकल चेंज, एक बताया फिजिकल मेथड, और एक क्या बताया? अब दो चीज क्या बताने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ दिव्या। अभिषेक हाँ बोलो, दोस प्रॉपर्टीज बुक में ही लिखा है, दोस प्रॉपर्टी विच कैन बी मीजर्ड, जिसे क्या किया जा सके? मीजर किया जा सके, और कैन बी एज सर्टेन्ड बाई, उसका कुछ वो, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी तो निकाली जा सकती ना किसी की, दोस प्रॉपर्टीज which can be measured, measure किया जा सके by without chemical change, without chemical change, यानी physical method के द्वारा। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये चीज जलती है कि नहीं, तो आप कहोगे जला के देखो, ऐसे बता पाओगे क्या? तो अगर आपको फिर जलने की इसकी combustibility चेक करनी है तो आपको इसको केमिकल चेंज में अंडर गो करना पड़ेगा, आग में डालना पड़ेगा। तो बोलो कंबशन एक फिजिकल प्रॉपर्टी हुई कि केमिकल? केमिकल, क्योंकि इसको हम कहें पेपर जलता है कि नहीं, अभी जला दे, और जल गया तो फिर वो लौटा नहीं पाओगे। और अगर मैं कहूँ
कि बताओ बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कह दो अभी पिघला के देखते हैं, अभी पिघला के देखना, कह देना 0 डिग्री सेल्सियस, कह दो फिर से मैं जमा ले रही हूँ, तो जिसको वापस लाया जा सके। और ये कहें कि कंबशन ऑफ पेपर, तो ये जला देंगे तो लौटा नहीं पाएंगे, ये लौटा ले जाएंगे पेपर। तो जो प्रॉपर्टी बिना केमिकल चेंज के पता की जा सके उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे क्या तुम किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट पता कर पाओगे? कर लोगे, और इतना दे देंगे ना फिर जम जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट पता कर लोगे, डेंसिटी कैसे पता करोगे? उसका मास देख लेना, वॉल्यूम देख लेना, मास में वॉल्यूम कर लेना, डेंसिटी पता कर सकते हैं। और दो चार चीजें हार्डनेस, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें हो सकती हैं। पीट के देख लेना, क्या पीटने से कोई मेटल अचानक उसका कलर कुछ बदल जाएगा क्या? तो ऐसी चीजें जो बिना केमिकल चेंज के पता की जा सके उनको क्या कहोगे? बोल रहा था वो सब बोलना है आपने, क्या कहोगे? What does it mean by physical property? The property. The property which can be measured. काफी देर से नहीं हो क्लास में, इसको बता दिए थे। सही, the properties which can be measured, कोई 6 properties बताओ जो physical properties के दायरे में है। मेल्टिंग ऑफ आइस थोड़ी बोलना है, मीजर भी तो करो। मेल्टिंग ऑफ आइस कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है। मेल्टिंग पॉइंट और कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, ये सारी चीजें हो गई। इसी तरीके से किसी का कलर छू के देख सको, टेक्सचर जो फिजिकल तरीके से पता कर लो, ऑर्डर, कलर, टेक्सचर, या फिर क्या हो, ऑर्डर। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी, नोएल, व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टी, जरा बताइए। तो विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय केमिकल चेंज, वो विदाउट केमिकल चेंज, और ये कैसा है? केमिकल प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज which can be measured या detected, measure उसमें क्या करोगे, बस detect, पहचान पाओगे, by chemical change only, chemical change, जैसे किसी चीज की burning, क्या कोई चीज जल पाती है कि नहीं? burning का दूसरा नाम क्या है? combustion, दहन। और थोड़ा बहुत ही अगर हो तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे अगर पेन है, कॉपर है, कॉपर में क्या होता है? रस्ट लग जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? कि वही कॉपर की सबकी प्रॉपर्टी, कॉपर सल्फेट तुमने देखा ना ग्रीन हो गया था, अभी किसके पास है क्रिस्टल, वो ग्रीन हो गया, यही इनकी कॉपर का पेन था, इनको इनाम में मिला था स्टूडेंट एयरफोर्स में, रस्ट लग गया नहीं ग्रीन कलर, तो इसको टार्निशिंग कहते हैं। अगर कॉपर पे रस्ट लग गया तो क्या कहते हैं? तो ऐसे आयरन पे लग गया तो रस्टिंग। क्या सिल्वर की चांदी की पाइप तुमने काली होते हुए देखी है? काली बता नहीं पड़ जाता, तो उसको भी टार्निशिंग है, और आयरन पे रस्टिंग होगी तो रस्टिंग, ठीक है कि नहीं? तो ये देखो ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर, वही चीज उसमें भी है, कॉपर पे रस्ट लग गया, कॉपर सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि नहीं? एसिडिटी, एसिडिटी भी कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर एसिड से रिएक्ट करे तो एसिडिटी मानी जाएगी, बेस से रिएक्ट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो बेसिक माना जाएगा, बेसिसिटी। बुक में तीनों लिखा है, एसिडिटी भी लिखा है और क्या लिखा है?
बेसिसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, तो आप ऐसा लिखेंगे। अब देखिए नाउ ओके, क्वेश्चन वन दिया जा रहा है, इफ आयरन पाउडर एंड सल्फर, आयरन की फाइलिंग होती है, फाइल करते हैं फाइलिंग्स, एंड सल्फर पाउडर इज मिक्स्ड एंड हीटेड, देन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, उसमें जो जोड़ दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट, ऐसा कर दिया गया, राइट दिस केमिकल चेंज इन इक्वेशन, इसको किस फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन फॉर्म, राइट दिस केमिकल चेंज इन इक्वेशन फॉर्म, व्हाट आर वेरियस फिजिकल मेथड्स बाय विच, ये जो मेथड्स दिए गए चंदन, ये किस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, होमोजीनियस की हेटरोजीनियस, मिक्सचर की कौन सी बात है, बोलो किसी भी मिक्सचर, क्योंकि चाहे होमोजीनियस हो, क्योंकि कोई इवेपरेशन से होता है, कोई फिल्ट्रेशन से होता है, कोई सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो मालूम ही है होमोजीनियस भी तो इन्हीं में से होते हैं, क्या वो डिस्टिलेशन से या इवेपरेशन से नहीं होते, तो इस तरीके से बाय विच मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, तो कितने मेथड दिए हैं, बोलो यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एट मेथड से लिखो, ओके। तीसरी चीज है कि डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्री सी टी एन टी आर आई, सिर्फ लिखना है ये फिजिकल प्रॉपर्टी ना, दोनों के लिखनी है, पहले आयरन के सल्फर से लिखो, दो इक्वेशन बनी जो बन जाए, रॉटन एक स्मेल लिखना है, आपने लिखा नहीं है अपनी कॉपी में, चलो
बनेगी, जब मिक्स करोगे तब क्या बनेगा, फिर उसके आगे दूसरी रिएक्शन हम पहले करा रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन भी गलत किया आपने, दूसरे में आपको पता नहीं आठ में कुछ कुछ और मेरी एबिलिटी लिख रही है दूसरे क्वेश्चन फिर योइंग करती हो। क्या तीनों ही गलत हो गए, इससे कभी तुमने डिफाइन नहीं किया। कोई जगह की नहीं पढ़ा सकता, आप क्या सोचते हो जगह एक भैया शेयर जागो काम में बताए तुम्हारे हर क्वेश्चन में दो दो एग्जांपल लिखे हैं। करीब एक घंटे से क्लास में नहीं, 5:30 से आई ना, 5:30 to 5:30 तक उदाहरण का विकास कर दिया। और ठीक है बुक में दैट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो चैप्टर के एंड में दिया गया तो डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड भी कई बार पूछा जाता है। मिक्सचर कंपाउंड तो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इज नॉट लॉस्ट। अगर तुम नमक और पानी को मिलाओ, नमक और पानी मिलाओगे तो क्या नमक का नमकीन पना रहेगा मिक्सचर में और पानी का गीला पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर तुमने कार्बन को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिला दिया ग्लूकोज बन गया तो कोयला पना बचा क्या, वो तो वाइट चीनी बन गई। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट तो लॉस्ट हो गई और इसमें क्या होगा नहीं होगी। सो प्रॉपर्टीज होता क्या है व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंसेस आर इंटरमिक्स्ड इन कैसे बताइए वेरीड कंपोजिशन या वेरीड अमाउंट मिक्सचर इज फॉर्म। मिक्सचर इज फॉर्म अमन इसकी डेफिनेशन बताओ। देखो यही तुमने लिखी दी थी आज मैंने चेक की थी तुम्हारी कॉपी, वहां तुमने एटम ही लिखा था। मैं इसलिए नहीं पूछा, मुझे मालूम था तुम एटम ही बोलोगे। बोलो बेटा व्हेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। जब मॉलिक्यूल पूछू तब एटम बोलना मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और कंपाउंड पूछू तब क्या बोलोगे
मॉलिक्यूल एक होता है तब तो एटम एटम मिलेंगे, लेकिन बड़े लेवल पर भी बात की जाए तो बहुत सारा आयरन मिलाया, बहुत सारा सल्फर मिलाया, गर्म किया, जो बना क्या वो कंपाउंड था, वही तो था कंपाउंड। देखो एक एक चम्मच मिलाया तो हमने एलिमेंट मिलाए ना, एक एक आइटम तो नहीं मिलाया था, एक एक आइटम मिलाया होता था उसी में बहुत सारे मॉलिक्यूल भी हैं FeS के, समझ आई बात की नहीं। लेकिन जब कंपाउंड की बात की जाए तो कंपाउंड तो 100 ग्राम 50 ग्राम होगा कि नहीं होगा। तो केमिकली कंबाइन, तब इसका इसे पूरा करो नोएल, इन फिक्स्ड रेशो इट फॉर्म्स कंपाउंड। सुहाना अगला डिफरेंस बताइए सेपरेशन के बारे में। अच्छा बोलो दिव्या, फिजिकल केमिकल थोड़ी ना, और वो समझ आई बात की नहीं। तो कंपाउंड तो तुमको मालूम है H2O, उसको फिजिकली छान के अलग कर लोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, नहीं कर सकती हो, उसके लिए तुम्हें केमिकल मेथड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। तो ये कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे अगर पानी नमक है तो बोलो कैसे अलग कर लोगे, पानी और नमक मिला दिया अलग कर लोगे, बताओ। ये बता दी इवेपोरेशन, अब वीडियो जिसने देखा बता लेना, तुम देख ही नहीं लेते, उन्होंने देखा पानी और नमक को अलग किया गया, सही बात है कि नहीं। सो फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय और कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। हां मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड और ये कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। तीसरी चीज, इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें अपने घटकों के गुण होते हैं। इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, और ये क्या होगा, एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज आर फाउंड विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, जो कंस्टिट्यूएंट उनके गुण इसमें होते ही नहीं। सो कंपाउंड फॉर्म हैज एंटायरली का पूरी तरीके से न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज विच डज नॉट मैच विद कंस्टिट्यूएंट। जरा चेक करो, मान लो शुगर प्लस वाटर से सीरप बन गया तो ये स्वीट एंड वेट दोनों होगा, और ये स्वीट है और ये क्या है, लेकिन ये दोनों होगा। जबकि मैंने H2 और O2 से क्या बनाया, बोलो H2O बनाया, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फ्यूल है, और ये क्या है, हेल्प्स इन इसका ऑक्सीजन के बिना कोई चीज नहीं जलेगी, बर्निंग। तो ये आप जलाने वाले हैं दोनों, ये आप बुझाने वाला, तो एंटायरली न्यू नहीं होगी ये कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टी किसी से मैच नहीं करती है, नई चीज बन जाती है। अच्छा अलग देखो कि इसका क्या है कि बस यही तीन प्रॉपर्टीज है, बाकी दो तो हमने इसमें ही कर दी कि रिएक्ट करके बनाते हैं। सो दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज, ठीक है, बुक में चार है, हमने उसको तीन में कर दिया, डेफिनेशन में दो आ गई। इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है जबकि इसका वैलिड कंपोजिशन होता है। पहले क्वेश्चन पे आइए ना,
exercises, first question. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि कैसे सेपरेट करोगे सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला तुमको बोलो कैसे सेपरेट करोगे. बहुत अच्छा. दैट इज नमक को पानी में मिला है तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे. नेक्स्ट देखिए जरा. तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड आपको मालूम है क्या होता है. पहले सब्लिमेट होता है कि नहीं. पिछली बार भी हमने दिखाया था सबसे ऊपर रखा कि जरा से चम्मच में लो वो उड़ जाता है. सब आयोडीन ही उड़ जा रहा था नहीं हाथ में. वैसे ही अमोनियम क्लोराइड भी नौसादर कहते हैं. और नाक में ले लो तो छींक आती है स्नीजिंग. जैसे नाक में मोती होती चला जाता है तो दादी लोग कहती इसको नौसादर सुनाओ बच्चे को नहीं तो मोती निकलेगा नहीं. बोलते हैं कि नहीं. तो वही नौसादर या अमोनियम क्लोराइड एक ही है. नीचे हट है सब्लिमेशन. तो कैसे अलग करेंगे. अगर हमने एक चाइना डिश में दो चीजें मिला दी दोनों व्हाइट पाउडर हैं नमक भी व्हाइट है वो तो बोलो इसके ऊपर तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में ऐसे दिया है ऐसे क्रूसिबल को फिर इसको हीट पे रख दिया ट्राईपॉड स्टैंड पे तो उसके नीचे फ्लेम रख दी. तो फ्लेम रखने पे क्या होगा ये जलेगा और यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा दिया तो यहाँ पे क्या जमा हो जाएगा क्या यही अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl. और इसमें बच क्या जाएगा बोलो इस कटोरी में नीचे क्या बच जाएगा NaCl. तो इन दोनों के मिक्सचर को कैसे अलग किया जा सकता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन अगला देखो. अच्छा स्मॉल पीस ऑफ मेटल इंजन ऑयल में मिले हैं. अगर इंजन ऑयल में थोड़े थोड़े मेटल के चिप गिर गए कार के इंजन ऑयल में ना तो कैसे मैं करूँ. मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेट से चिपक जाएगा. मैग्नेटिक सेपरेशन. नेक्स्ट देखो डिफरेंट पिगमेंट्स. अगर फ्लावर में फ्लावर को सुखा के कलर बनता है बताओ श्रेया. अगर उसके डिफरेंट कलर्स हैं उन्हीं से तो तुम्हारे केमिन के कलर हैं या जो तुम बाजार से खरीद के लाती हो ना वही सब कलर उनके. अगर वो सारे कलर आपस में मिल गए हैं तो तुम उन्हें सामान्य सबसे पहले बताओ. अगला देखो बटर को कर्ड से कैसे अलग करोगे. ठीक है दैट इज अभिकेंद्रीयकरण. सेंट्री अब देखो नेक्स्ट इज ऑयल को. क्या तुमने कभी ऐसा देखा है मान लीजिए कि हमारे पास तेल हो पानी में तो क्या तेल पानी में तैरने लगेगा. अच्छा ऐसे में उसे अलग करने का एक मेथड है इसे सेपरेटिंग करना. तो मान लीजिए कि मैं इसमें डाल दूं ऑयल तो ऊपर तैरने लगेगा. इसमें दोनों डाल दिए ऑयल ऊपर आ जाएगा. तो अब मैं क्या करूं बताओ कि पानी को गिराऊं. यहां मान लो ऑयल है ऑयल तो ऊपर रहेगा ना तो तब तक इस स्टॉप कॉक से पानी को गिराओ. पानी गिरने लगे और देखो कि जैसे जैसे ना ऑयल आने लगेगा रुक जाना तो पानी गिर जाएगा. और तुम सोचो यहां तक अब ऑयल आ गया यहां जैसे ऑयल पहुंच जाए तो बंद करो. अरे अरे अब तेल ना गिरने पाए तो तेल इसमें रह गया और पानी मान लो तेल अलग रहेगा ना पानी अलग तो ऐसा आप उस सेपरेटिंग फलन इसको क्या कहते हैं. तो सेपरेशन किसके द्वारा किया जा सकता है सेपरेटिंग फलन के द्वारा. तो अगले में क्या दिखाया गया दैट इज सेपरेटिंग फलन से कर सकते हैं. सो दैट इज नेक्स्ट देखो. अच्छा टी लीव्स फ्रॉम टी टी स्ट्रेनर भी लिख सकते हो. टी स्ट्रेनर वैसे वो फिजिकल मेथड पूछ रहा है तो मुझे फिल्ट्रेशन कहना चाहिए. फिल्ट्रेशन है ना उस मेथड का नाम लिखना पड़ेगा ना. फिल्ट्रेशन फ्रॉम टी स्ट्रेनर अलग से लिख सकते. अच्छा ये बताओ आयरन पिन को सैंड से कैसे लगता है.
magnetic separation. Okay. Next is wheat grains from us. That is winnowing. अच्छा नोएल तुम बता सकती हो ये जितने भी एग्जांपल हमने इसमें पढ़े हैं आज तक इसमें मिक्सचर्स कौन कौन से हैं देखो जरा एक बार देख के बताओ मिक्सचर्स कौन कौन से हैं और प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से फर्स्ट बहुत बड़े सारे क्योंकि मिक्सचर कोई फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है ठीक है नाउ फाइन मड पार्टिकल्स अगर मड पानी में ऐसे सस्पेंडेड है सेडिमेंटेशन और फिर लोडिंग भी करा दो फिटकरी से लोडिंग विद एलम सेडिमेंटेशन यानी नीचे बैठ जाने दो सेडिमेंटेशन करो फिर उसके बाद क्या करो कि सेडिमेंटेशन फिल्टर लोडिंग एंड फिर फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन कर दिया फिटकरी डालोगे तो ऊपर एक पपड़ी सी जमा हो जाएगी अशुद्धि होगी और बीच में साफ पानी रहेगा फिर फिल्टर पेपर में छान ठीक है तो क्या क्या किया जाए बोलो एंड फिल्ट्रेशन आई जे सेडिमेंटेशन इसको कहते हैं निथारना थोड़ी देर नीचे बैठ जाने दो पार्टिकल जैसे ये फ्लास्क है और नीचे ये बैठ जाए तो इसको क्या कहेंगे इनको कहते हैं सेडिमेंट्स जो नीचे बैठ जाए तो उसे क्या कहते हैं अब उसके बाद क्या होगा सेडिमेंटेशन इसमें फिल्टरी डाल दो लोडिंग दैट इज एडिंग एलम एंड फिर क्या करो फिल्ट्रेशन चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो जो प्रज्ञा है वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रही है क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जा रही है yes. तो ऐसे केस में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि विच मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम ऑफ वाटर तो अगर हमें 50 ग्राम ही मेरे पास पानी है सबसे पहले दिव्या बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होती है कैन बी डिसॉल्व बोल दो तो भी चल जाएगा कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर रिपीट करो बेटा अमन तो सॉल्युबिलिटी क्या है बताइए सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट कितनी है बताओ इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम तो बोलो इन 1 ग्राम में कितनी होगी 62/100 तो इन 50 ग्राम में कितनी होगी तो कितना हो जाएगा 62/100 इंटू 50 ये भी ग्राम था ये भी ग्राम था तो दो दो ग्राम तो कट ही गए और इंटू 50 ग्राम तब भी एक तो ग्राम बचा ये काट दो अच्छा 50 से 100 काटोगे तो क्या होगा 2 से इसको काटो 51 वैसे वर्बली भी ये बताया जा सकता है कि 100 ग्राम में 62 ग्राम सॉल्युबल है तो 50 ग्राम में 31 ग्राम होगा आधे में आधा ही तो होगा तो जो सिंपली लिखना चाहे वैसे ये मेथोडिकल जो है प्रॉपरली आप कर सकते ठीक है कि नहीं 100 में इतना तो एक में कितना सॉल्युबल ठीक है तो 50 में कितना ऐसा होता है कि नहीं यूनिट फैक्टर मेथड मतलब देखो
Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water and leaves the solution to cool. What? अच्छा, second point देखो. मान लो कि मैंने खूब सारी चीनी मिलाई और उबाल दिया, तो उबालने से और चीनी मिलती गई और चीनी मिलती गई, फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, क्या हुआ? क्या वो सब चीनी मिली रहेगी कि अब उसमें से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी? तो जो चीनी थी उसमें डिजोल्व थी, वो क्रिस्टलाइज होने लगेगी. क्रिस्टल देखा था ना बनते हुए, जब उसने गर्म किया कॉपर सल्फेट तो ज़्यादा कॉपर सल्फेट मिल गया, और ठंडा किया तो क्या क्रिस्टल अलग होने लगे? क्योंकि अब उतनी तो सॉल्युबिलिटी नहीं रह गई ना, वो उसने गर्म नहीं किया था पहले, कुछ सारा डाल दिया था कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, और जब ठंडा करोगे तब तो नहीं रह जाएगी, तो क्रिस्टल अलग हो जाएंगे. तो इससे क्या उसने देखा बताओ? तो प्रज्ञा है सीन, जब उसने कूल किया देन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जकड़. यही तो पूछा जा रहा है, पढ़ो सवाल जरा. क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई एंड जो एडेड सॉल्यूट था विल गेट क्रिस्टलाइज. फिर से पढ़ता हूँ, देखो. प्रज्ञा मेक्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन और 353 पे किया, सोचो जरा, 53 + 27 यानी 80 डिग्री तक गर्म किया. 353 केल्विन का मतलब कितना होता है? 273 माइनस कर दो, 80 डिग्री तक गर्म किया और फिर उसे कूल कर दिया, तो वो क्या देखेगी? बोलो कनिष्का चौहान. Observes that, वो ऑब्जर्व क्या करेगी? दैट प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बेटा सही बता, ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल अकर एज अ कट. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एज सोल्यूशन कूल्स. सेंटेंस पूरा करिए श्रेया. दूसरों से बुलवा रही हो, घड़ी पे अधिक निगाह है. सो एज सोल्यूशन कूल्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. जी देखो, find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has highest solubility? चारों salt की solubility 293 Kelvin पर नमन बताइए. बोलो. Solubility of potassium nitrate कितनी होगी? 293 केल्विन. बोलो नमन कितना होता होगा? 20 डिग्री. सो इस पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी है? 32 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर. अच्छा, ऐसे सभी की लिखो. सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 293 केल्विन, इट इज 36 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर. सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 293 केल्विन इज 35. यस सर, 35 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर. एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, चंदन अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ. अमोनियम क्लोराइड AaL एल्यूमिनियम पे आ गया. अच्छा कोई बात नहीं, NH4Cl 37 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर. पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए. पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड NaCl. अब बीच में कोई ना बोलना. पोटेशियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट अमोनियम पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड
ओके सही है। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl सही ठीक है। आयरन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन क्लोराइड Now, next is what is the effect of change of temperature on solubility? What is effect of change of temperature on solubility? Dishita, रुक जा जरा। यानी विलयता पर तापमान का क्या असर करेगा? बोलो बेटा। सर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। देखो इस बात को, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस की बात हो गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई कि नहीं? देखो तुमने तुम्हारी कॉपी आज हम चेक कर रहे थे, इतना प्रभावित नहीं करता है तुमको। इस तरीके से तुम विद्या को कभी पछाड़ नहीं पाओगे जिस हिसाब से चल रहे हो। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, नजर रैंक पानी है तो पीछे करना है। समझ आ गया? इतना ही रखें, ये चैप्टर पूरा हो गया चंद्र। होगा ये जिसका भी होगा हम भेज देंगे। ठीक है।